मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल लुक। तो इससे पहले मैंने एक और लुक को क्रिएट किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप मिस कर चुके तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जितने भी ज्वेलरीज और ड्रेसेस मैंने पहना है इस वीडियो में, अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो करवा चौथ में बहुत सारी वुमेन्स को बहुत सारा काम रहता है और काम के साथ साथ उन्हें इंतजार रहता है चांद का, कि चांद कब उठे और वो अपना व्रत तोड़े, राइट। तो उस बीच में उन्हें मेकअप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ही ईजी और सिंपल वे में लाई हूँ 3-4 ही प्रोडक्ट यूज़ करके इस मेकअप लुक को क्रिएट करना। तो देखना है कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया। तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो के और तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्किन केयर कर रखा है और अब मैं ले रही हूँ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर फ्रॉम द ब्रांड कलर बार। बहुत से वीडियो मैंने रिपीट किया सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाने चाहिए मानसून के टाइम में, टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए पूरे फेस में अप्लाई कर रखा है मैंने। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ लॉयल इनफेलेबल का फाउंडेशन इन दी शेड 200। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, डैब डैब मोशन पे मैं ऑफ कैमरा अब मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसमें कंसीलर का नीड नहीं होता है। और यहाँ डायरेक्ट मैं बेकिंग के ओर गई हूँ, लैक्मी का लूज पाउडर मैंने यूज़ करा है। यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल इन दी शेड ब्राउन। इसके एक साइड में पेंसिल हमें मिलेंगी और एक साइड सॉफ्ट स्पूली मिलेंगे हमें। तो स्पूली की हेल्प से मैं ब्रश भी कर ले रही हूँ और अब बढ़ रही हूँ मैं आई शेडो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का रिडेम्पशन 2 पैलेट इन दी शेड ब्राउन मैंने पिक किया है और क्रीज लाइन पे मैं एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कलर को, थोड़ा सा डिप देते हुए मैं किया है इस बार। और यहाँ पर मैंने लिया है सिंगल शेड फ्रॉम द ब्रांड कलर एसेंस और इसको मैं ऑटर वी पे फोकस करते हुए पूरे आई लिड में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। जेंडी शेड पिंक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैलेट मेरा टूट रखा है, ये शिमर बिग ब्रिक पैलेट है फ्रॉम द ब्रांड लैक्मी, उसका भी पिंक शेड मैंने अप्लाई किया। और ये एक कैमेलियन का लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट है, इसका मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ और इनर कॉर्नर से लेते हुए हाफ थर्ड हाफ बोल सकते थर्ड हाफ में मैंने अप्लाई कर रखा है। और नेक्स्ट मैं बढ़ूँगी यहाँ आईलाइनर की तरफ। तो ये मैंने लिया है लैक्मी एब्सोल्यूट का शाइन लाइन आईलाइनर और इससे मैं एक विंग क्रिएट करूँगी और विंग पे मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ गाइस, इसका रीज़न आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो मैं एक सॉफ्ट पतला सा विंग क्रिएट की हूँ। सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रही हूँ गाइस। नेक्स्ट स्टेप है मेरा यस विज ब्यूटी का सिल्वर ग्लिटर आई शेडो, इसलिए मैंने विंग पे फोकस नहीं किया था। तो जहाँ मैंने ब्लैक कलर का लाइनर को अप्लाई किया था उसी के ऊपर जस्ट इसे अप्लाई कर लूँगी और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा गाइस। और यहाँ नेक्स्ट मैंने लिया है फेसेस कनाडा का प्रो जेल काजल और अप्लाई करने के बाद मैंने आईलैश को कर्ल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने यूज़ करा है मस्कारा फ्रॉम द ब्रांड मेबेलिन द वॉल्यूम। अच्छे से मैं इसे 2-3 कोट अप्लाई करूँगी, कोई फॉल्सेस वगैरह का अप्लाई नहीं किया मैंने। यहाँ सेम ब्राउन कलर को मैं लेते हुए स्मज कर लूँगी काजल को और इससे हमारा काजल और भी ज़्यादा टिका रहेगा। और ये सिल्वरी शेड ले रही हूँ सेम पैलेट मेकअप रिवॉल्यूशन का और उसे आईब्रो बोन पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। ऑफ कैमरा मैंने दोनों आईज पे कर लिया। अब जितने भी बेकिंग मैंने किया था एक्स्ट्रा पाउडर था उसे डस्ट ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया लॉरियल का इनफेलेबल पाउडर और इससे पूरे फेस पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं ले रही हूँ सेम पैलेट शिमर ब्रिक फ्रॉम द ब्रांड लैक्मी एब्सोल्यूट, उसे मैं ब्लश लगा रही हूँ। इसका शिमर पार्टिकल्स आता है गाइस फेस पे तो इससे हाईलाइटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके सारे शेड मिलाते हुए मैंने अच्छे से लगा लिया है और इसका मैं गोल्डन शेड लेके हाईलाइट कर रही हूँ ब्रिज ऑफ दी नोज क्यूपिड्स बो को। और यहाँ पर मैं एम एन का लिप लाइनर ली हूँ और इससे मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ अच्छे से लिप लाइन को। ड्रॉ हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूंगी। यहाँ पर मैंने लिया लैक्मी एब्सोल्यूट का मैट लिपस्टिक इन दिस शेड पिंक मी अप और इसे मैं अच्छे से लगा रही हूँ। तो ये मैट फार्मूला पे तो यहाँ पर मैंने ग्लॉस का यूज़ किया, ये लिप ग्लॉस फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल का है इन दी शेड 15 है और इसे मैं लगा ली हूँ अच्छे से। लगाने के बाद मैं यहाँ पर 2 सिल्वर बिंदी अप्लाई कर रही हूँ
एंड आई एम रेडी। मैंने यही मेकअप लुक को क्रिएट किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो देरी किस बात की, बिना कंजूसी के इस वीडियो को बिग लाइक देना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ साथ सारे फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूले। तो टिल देन बाय बाय। बट उससे पहले मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं सिंगल हूँ जैसे कि आप सभी को पता, तो मैरिड में नहीं हूँ, तो ना ही मैंने इस मेकअप लुक में कोई सिंदूर अप्लाई किया है ना ही मंगलसूत्र अप्लाई। बट करवा चौथ में सारी लेडीज गले में मंगलसूत्र, मांगों में सिंदूर और हाथों में मेहंदी जरूर लगाती है, वो कुछ करे या ना करे, क्योंकि उनका ये सुहाग का निशानी होता है। बट मैं नहीं लगा सकती, तो कुछ गाइडेंस के अंदर मैंने वीडियो बनाया है। पहले वाली वीडियो पे मैंने सिंदूर लगा के अप्लाई करके दिखाया था, बट इस बार मैं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। बट आप इसे लगाना बिल्कुल भी ना भूले, और प्लीज कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट ना करें। तो गाइस जानने से पहले एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मैंने इससे पहले भी एक और करवा चौथ का स्पेशल लुक शेयर किया था अपने चैनल पे, अगर आप मिस कर चुके तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।